नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं लोंगवे क्रिकेट। लोंगवे क्रिकेट आपको देता है क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट, वो भी सबसे पहले। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन दबाकर आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा समस्या ये है कि अब विकेट कीपर कहां से लाएं। पहले उनको कैप्टन की समस्या थी, वो सोल्व हो गई, लेकिन अब यहां पे विकेट कीपर के लिए तीन नाम चयन किए गए हैं। वो कौन से नाम है और कौन सा यहां पे विकेट कीपर सबसे अच्छा रह सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत चोट की वजह से इस साल आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और इसी कारण उनकी फ्रेंचाइजी से यहां पे रिप्लेसमेंट के तौर पर अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज की खोज शुरू कर दी गई है। स्पोर्ट्स किट की माने तो यहां पे फिलहाल तीन नाम चर्चा में चल रहे हैं। हाल ही में डेविड वॉर्नर को ऋषभ पंत की जगह आधिकारिक तौर पर कप्तान नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद विकेट कीपर की ऊपर भी नजरें हैं। विकेट कीपर और बल्लेबाजी के तौर पर दोनों ही यहां पे खबरें बताई जा रही हैं कि अभिषेक पुरेल जो कि बंगाल से हैं और यहां पे लवनीत सिसोदिया जो कि कर्नाटक से हैं और शेल्डन जैक्सन जो कि सौराष्ट्र से हैं, जो कि दूसरे ग्राउंड के ट्रायल के लिए 19 मार्च को दिल्ली बुलाया गया है। इनमें से किसी भी एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के तौर पर यहां पे दिल्ली के लिए चुना जा सकता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तीन खिलाड़ियों में से कौन सा चुना जाएगा, क्योंकि कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसी को चुना जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब यहां पे दिल्ली के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो भी चुना जाएगा वो क्या अच्छे से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी नए हैं और उन्होंने कोई ऐसा मैच नहीं खेला है इंटरनेशनल जिसमें उनकी कोई यहां पे तारीफें हुई हो या फिर उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो या फिर उनकी स्किल को देखा गया हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कौन सा अच्छा रहेगा इनके अंदर, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे कोई अपडेट मिला फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।